सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने को मजबूर कर दिया है। युवाओं को बार बार नौकरी की झूठी उम्मीदें दी जा रही हैं। पिछले 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान मिला। इसके साथ ही कांग्रेस के सत्याग्रह में प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता अग्निपथ विरोधी तख्तियां लेकर बैठे हैं। प्रियंका गांधी बोली, सरकार आम लोगों के लिए नहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए स्कीम बनाती है। सेना की भर्ती का सपना युवा देखते हैं, देश के लिए जान देने का सपना देखने वाले असली देशभक्त हैं। आपका सपना तोड़ने वाले नकली राष्ट्रवादी हैं। युवा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस सरकार को गिराएंगे। आप अपना प्रदर्शन बिना हिंसा के करें, आंदोलन जारी रखें, कांग्रेस आपके साथ है। प्रियंका गांधी ने इसके आगे कहा कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं को मार डालेगी, सेना को खत्म कर देगी। इस सरकार की मंशा देखें और इसे गिराएं। ऐसी सरकार लाओ जो देश के प्रति सच्ची हो, देश संपत्ति की रक्षा करे। मैं आपसे शांतिपूर्ण विरोध करने का आग्रह करती हूँ, लेकिन रुकना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।